अस्सलाम वालेकुम। आज की तारीख 28 दिसंबर 2019। मेरा पूरा नाम दानिश सईद, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 1989, बैच 2। प्रिंसिपल हमारे ग्रेजुएशन के टाइम पे प्रोफेसर अलमानी थे। क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैं खुद था, लेकिन मुझसे पहले असद अब्बास आबदी वाज़ द क्लास रिप्रेजेंटेटिव हु हैड टू लीव द हॉस्पिटल फॉर द कॉलेज टू गो टू आ खान। तो वो ज़्यादा अरसा नहीं रहे और उसके बाद मैं खुद क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ। क्लिनिकल ग्रुप मेरा I1 था। क्लिनिकल ग्रुप के अंदर जो लोग मेरे साथ थे उनमें हसन जलीसी मेरे साथ थे, अज़रा हुसैनी जो बाद में अज़रा जलीसी भी बन गई, शैला, समीना पराचा, सोफिया, निगत फातमा, नाजी हुसैन और सलमा तब्रेज़। देन लड़कों के अंदर हसन के अलावा मुनीर अज़ीज़, इकबाल, मिर्ज़ा इकबाल बेग, शकील ख़ान, वसीउल्ला, उबैद, कलीम, खालिद और शाहिद मंसूर। ये हम लोगों का क्लिनिकल ग्रुप था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हियर आई एक्चुअली वर्कड सम टाइम इन मलेशिया इन जनरल सर्जरी। उसके बाद मैं अमेरिका गया, फैमिली मेडिसिन में रेजिडेंसी की और आफ्टर दैट आई डिड जीरियाट्रिक्स फेलोशिप। तो मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है जीरियाट्रिक्स और फैमिली मेडिसिन की। आई लिव इन एलन टाउन, पेंसिल्वेनिया, विच इज़ क्लोज फ्रॉम फिलाडेल्फिया। मेमोरीज ऑफ द डॉ, आई थिंक द मोस्ट अचीवेबल थिंग विच आई कैन क्लेम माई सेल्फ, बट माई क्लास फेलोज एक्चुअली हेल्प मी क्लेम दैट अचीवमेंट, वॉज टू रिवर्स द साइकिल। हम लोगों के ग्रुप तक हमारी ग्रेजुएशन जो थी वो 7 साल हो रही थी ड्यू टू डिलेज इन सेशन। हमारी क्लास के कुछ लोगों ने आइडियाज़ दिए कि हम इसको किस तरह रिवर्स कर सकते हैं। दोज आइडियाज़ एक्चुअली वर फुलफिल्ड आफ्टर डिस्कशन विद आवर प्रिंसिपल। अलमानी साहब ने उसमें हमारी बहुत हेल्प की और हमारा पहली क्लास थी जिसने 6 महीने ओवरलैप किया अपनी सीनियर बैच के साथ। देन विद इन ईयर्स वी वर बैक टू 5 ईयर्स फ्रॉम 7 ईयर्स। सो दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट आई कैन से विद द हेल्प ऑफ ऑल माई क्लास फेलोज। उसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि मुझे जिसका ज़हनी सुकून है वो ये कि जब औरंगी टाउन में हंगामे हुए और बड़ी तादाद में लोग कत्ल हुए तो हमारी कॉलेज से कुछ लोगों का एक ग्रुप, छोटा सा ग्रुप था 10-12 लोगों का, जो औरंगी टाउन गए उसी दिन जिस दिन ये हंगामे हो रहे थे। और मेरे समेत मेरे क्लास के तकरीबन 3 और लोग थे जो उसमें शामिल थे और कुछ सीनियर्स थे। वी वेंट ऑल द वे ओवर देयर एंड वी गॉट स्टक। वहाँ पर एक अल रज़ा क्लिनिक थी, अल रज़ा क्लिनिक के अंदर वी गॉट स्टक। वी हैड टू स्टे ओवर नाइट अलॉन्ग विद अब्दुल सत्तार एदी। ड्यूरिंग दैट होल नाइट वी वर रिसीविंग कैजुअल्टीज, डेड बॉडीज एज वेल एज इंजर्ड पीपल, क्रिटिकली इंजर्ड। अब्दुल सत्तार एदी वॉज ब्रेव इनफ दैट ही वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड सेंडिंग द बॉडीज आउट। वी वर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ देयर, सो वी स्टेड ओवर नाइट एंड वी वर एबल टू लीव द नेक्स्ट डे इन द इवनिंग। So that is actually something which I'm proud that I was the part of that. That was a history, you know, one of the most historic event in Karachi's history, and I feel that I was the part of it. Thank you. Bahut shukriya.